हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला आपका नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के रिगार्डिंग, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी कितनी आपकी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट रहने वाली है। सेंट्रल लेवल की ये पोस्ट के बारे में आज का डिस्कशन रहेगा अपना। वैसे अगर बात करें तो गोल्डन एरा है 2024 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज के लिए। बहुत सारी आपको नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज देखने को मिल गई है, अब बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी हर एक स्टेट के अंदर। यानी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी हर एक स्टेट के अंदर। जैसे अभी बिहार पटना के अंदर 4500 आपकी CHO पोस्ट आई है, राजस्थान के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलेगी, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, यानी हर एक स्टेट के अंदर CHO पोस्ट आपको देखने को मिलेगी इस साल। लेकिन जो आज का अपना वीडियो वो सेंट्रल लेवल पे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है उनके बारे में डिस्कशन है। वैसे ये अगर बात करेंगे तो 3000 क्या 4000 से भी ज़्यादा आपका सेंट्रल लेवल पे आपके नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट इस साल आपको देखने को मिलेगी। यानी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी बनाए रखें जिससे जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए 2024 के अंदर। तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है या आ चुकी है या फॉर्म उनके स्टार्ट हो गए, तो उन सभी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो ESIC वैकेंसी और DSSB वैकेंसी के फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं। इनके अलावा और कौन कौन से वैकेंसीज हैं जिनके फॉर्म स्टार्ट हो गए या आने वाली है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहे वीडियो अंत तक देखिए। फर्स्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मली RRB। वैसे ये जो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये RRB रेलवे ने अभी कुछ पोस्ट इनकी सेंक्शन की है जिसके अंदर बता रखा है कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट आपकी कितनी है। तो रेलवे के अंदर अगर बात करेंगे 678 आपकी स्टाफ नर्स वैकेंसीज है। इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हिसाब से 3 पोस्ट अलग से इधर की है, यानी टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 681 पोस्ट आपको रेलवे के अंदर देखने को मिलेगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगी। और ये जो वैकेंसी है ये अगस्त सितंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी अगर बात करेंगे तो सितंबर या अक्टूबर या इस साल के एंड तक ये वैकेंसीज फुलफिल कर ली जाएगी। अलग अलग स्टेट वाइज यह आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। सैलरी की बात करेंगे तो 80,000 से ज़्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो BSc नर्सिंग, इसके अलावा GNM विथ एक्सपीरियंस ये आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है, यानी बहुत जल्द ये पोस्ट देखने को आपको मिलेगी। तो टोटल पोस्ट होगी 681 ये पोस्ट हो गई, स्टाफ नर्स 678 और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगी आपकी 3 पोस्ट। इसके अलावा अपन बात करते हैं और कौन सी वैकेंसीज है। इसके अलावा आपकी पोस्ट है नॉर्मली RML के अंदर, जो न्यू दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कुछ पोस्ट के बारे में बताया गया। इनके अंदर बताया गया है कि आपकी पोस्ट कितनी कितनी और कौन कौन सी आपकी कैडर की रहेगी। जैसे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपकी कितनी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी है, ANS की पोस्ट कितनी है। वैसे अगर बात करें RML हॉस्पिटल के तहत ये आपकी पोस्ट क्रिएट होने वाली है, SIU रूम के लिए नॉर्म्स के हिसाब से ये नॉर्मली पोस्ट रहेगी। अगर बात करेंगे तो जो ANS पोस्ट है या SNO पोस्ट है, यानी ANS 66 पोस्ट है और SNO पोस्ट 313 पोस्ट है। तो ये जो नॉर्मल ये दोनों पोस्ट है ANS प्लस SNO पोस्ट, ये बाई प्रमोशन ये आपको देखने को मिल सकती है, यानी इनकी वैकेंसीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो आपको नॉर्मल वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट कितनी है, 988 पोस्ट कितनी होगी, 988। और पिछले आपका अभी देखा था थोड़े से देर पहले अपन ने RRB की पोस्ट थी 680 पोस्ट, यानी आपकी 1500 से भी ज़्यादा पोस्ट ये अभी हो गई RRB प्लस RML। ये जो RML आपकी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज है ये आपकी नॉट सेट एग्जाम के अंदर इंक्लूडेड हो सकती है। RRB हो गया,
इसके अलावा आपका आरएमएल हॉस्पिटल हो गया, इनके अंदर 80-20 आपका नहीं रहने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इसके अंदर नहीं रहेगा, ओनली नॉर्थ सीट की जो वैकेंसीज रहती है उनके अंदर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज के अंदर नहीं रहेगा। या नॉर्थ सीट के अंदर अगर एम्स है तो एम्स के अंदर 80-20 रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आरएमएल हो गया, सफदरजंग हो गया, कलावती हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, इनके अंदर आपको नॉर्मली 80-20 नहीं देखने को मिलेगा। यानी 1000 के समथिंग ये पोस्ट आपकी हो गई है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इस साल आपको देखने को ये मिल सकती है। इसके अलावा और कौन सी पोस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एसजीपीजीआई ने कुछ दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला था, 1400 पोस्ट, इससे भी ज्यादा थोड़ी सी पोस्ट थी, उनके लिए आपका एडवर्टाइजमेंट निकाला है। और अभी जस्ट नॉर्मली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है 260 पोस्ट के रिगार्डिंग, जो बैकलॉग आपकी वैकेंसीज रह गई है। तो ये टोटल आपकी इंक्लूड होके आपका इसी साल आपको देखने को मिल सकती है। एसजीपीजीआई के फॉर्म अभी स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सैलरी भी इसके अंदर 80,000 के समथिंग आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे वही क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो सकता है, इसके साथ में अगर अपन बात करेंगे तो नॉर्मली क्या फिनोमेना देखने को मिल सकता है, जीएनएम के साथ में एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यानी अगर बात करेंगे तो 1500 वैकेंसी ये हो गई, यार 1500 वैकेंसीज आपकी आरएमएल प्लस आरआरबी वैकेंसीज हो गई, यानी एसजीपीजीआई आरआरबी प्लस आपका नॉर्मली आरएमएल वैकेंसीज, तो ये नॉर्मली वैकेंसीज आपकी 3000 से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जो इसी साल फुलफिल करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे अपन बात करते हैं नॉर्थ सेट के अंदर बहुत ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, यानी 1500 से भी ज्यादा पोस्ट आपको नॉर्थ सेट के अंदर एम्स एम्स की देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी इस साल इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे आरएमएल होगा, इसके अलावा आपका सफदरजंग हो सकता है, कलावती हो सकता है, लेडी हार्डिंग भी आपका इंक्लूडेड हो सकता है। यानी 1500 पोस्ट ये हो गई और 3000 से ज्यादा पोस्ट वो होगी, टोटल 4500 के समथिंग आपका सेंट्रल लेवल पे आपका इस साल आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इस साल। इसके अलावा अपन एक खास चीज के बारे में बात करते हैं, अपन बात करते हैं जो मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन है प्लस नर्सिंग वाईफाई है, वो आपके लिए लेके आया है प्रीमियम टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है ईएसआईसी के रिगार्डिंग, टोटल 20 टेस्ट है, 249 रुपीज उनके प्राइस है। और ईएसआईसी की जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी की पूरी यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड है, यानी यूपीएससी का जो पैटर्न होता है, जैसे आपका सिविल सर्विस हो गया, मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन हो गया, अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पैटर्न होता है उसी के हिसाब से ये 20 टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं प्रीमियम टेस्ट सीरीज के अंदर आरआरबी की टेस्ट सीरीज, आरएमएल एसजीपीजीआई के रिगार्डिंग, नॉर्थ सेट के रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज है, और उनकी प्राइस दे रखी है, जैसे आरआरबी में 199 रुपीज होंगे और टोटल 20 टेस्ट होंगे, आरएमएल एसजीपीजीआई के अंदर 149 आपके प्राइस होंगे और 15 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ सेट के अंदर आपको 50 टेस्ट देखने को मिलेंगे और प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 399 रुपीज़ ओनली, 50 टेस्ट आपको 399 रुपये में देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी टेस्ट हैं वो सारे उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जैसे नॉर्थ सेट की बात करेंगे, जो जैसे आजकल केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा नॉर्मली आपका लैंग्वेज जो होती है अनक्लेक्स वाली लैंग्वेज होती है, तो वही आपके इसके अंदर बना रखे हैं। टोटल 50 टेस्ट रहने वाले, प्री एंड मेंस दोनों को ये कवर करने वाले। आरएमएल एसजीपीजीआई जो सिलेबस है कि नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि 60% आपका नॉर्मली वेटेज रहेगा नर्सिंग का, 40% आपका वेटेज रहेगा अदर सब्जेक्ट का, तो उसके अनुसार बनाई गई है। आरआरबी के सिलेबस के अनुसार ये टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई है। तो ये प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, इनको ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली नीचे आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। इसी प्रकार की बहुत सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो जिनको पता नहीं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।